एक भिखारी था। रेल में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ जी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही क्यों रहते हो? क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ? सेठ जी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के कहीं न कहीं दिल में उतर गई थी। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी तो नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं? उसको अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भी भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लेकर लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर ऊपर देखकर बहुत तेज आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। पूरे एक वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला,
सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, कब मिले थे हम? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में भीख के बदले में कुछ देने की सीख दी थी और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में बहुत काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। तो दोस्तों, भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी ही रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो वह व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी के विषय में आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर ज़रूर सेट कर लें ताकि मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं फिर मैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।